एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर जहां बहुत तादाद के अंदर रैलियां होती हैं, आज वहीं रामलीला मैदान के अंदर एक परिसंघ की रैली होने जा रही है और परिसंघ के लोग यहां काफ़ी तादाद में आ चुके हैं। हमारे बीच में है सविता कादयान पवार जी, जो आज इस रैली का एक जो नेतृत्व है, जो आज उदित राज जी इसको संबोधित करेंगे। आइए हम इस रैली के बारे में पूछते हैं, परिसंघ के बारे में पूछते हैं। मैडम, आज ये परिसंघ की रैली होने जा रही है और आप महिला प्रकोष्ठ की जो आप अध्यक्ष हैं, तो आज जो ये रैली होने जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज इसका मुख्य उद्देश्य हमारा जो है, धीरे धीरे जो सरकारी क्षेत्र हमारे ख़त्म किए जा रहे हैं और धीरे धीरे जो प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, तो हमारी जो मेन परिसंघ की जो मेन मांग है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो और ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, मतलब कि आरक्षण बचाने के मुद्दे पर हमारी आज ये परिसंघ की 20वीं महारैली का आयोजन किया गया है। तो ये क्या जो प्रमोशन को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या एक उद्देश्य है कि आज उदित राज जी भी तो एक सत्ता में हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के बैनर तले? आज के टाइम में सभी विभागों में, मतलब कि आरक्षण बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, जिसमें सरकारी क्षेत्र में अभी एक थोड़े दिन पहले 30/11 का एक आदेश जो दिल्ली सरकार का सभी विभागों में आया था, जिसके तहत जितनी भी खाली पोस्ट हमारी पड़ी हुई थी, उन खाली पोस्ट को सिर्फ भरने का आदेश दिया गया, उसमें रोस्टर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। रोस्टर को ध्यान ना रखते हुए सिर्फ ये कहा गया कि इन पदों की भर्ती की जाए, तो ये दिखाई देता है कि आने वाले समय में बिल्कुल हमारे सरकारी विभाग ख़त्म हो जाएंगे और जो प्रमोशन का मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को हमारे इस समय माननीय डॉक्टर उदित राज जी समझते हैं और इसी चीज़ को मानते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में बिल भी पेश किया हुआ है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आज के समय में जो आरक्षण धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आरक्षण को बचाना बहुत ज़रूरी है। सविता कादयानी, जब कोई ऐसी बातें आती हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की जो बात आती है या मतलब और बात आती है, जब भी लोग जागरूक होते हैं, उससे पहले कोई नहीं, जब बाबा साहब के मिशन को लेकर और आप यहाँ देख रहे हैं दुनिया भर के बाबा साहब के होर्डिंग लगा रखे हैं और बाबा साहब की बात को नहीं मान रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब के मिशन को लेकर आज सभी लोग जागरूक हैं। ये जागरूकता ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है कि जिस तरीके से एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, आज उस व्यवस्था को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं रियलाइज़ कराया जा रहा है या बताया जा रहा है कि ये किसी की दी हुई भीख नहीं है। आरक्षण जो हमें एक हमारा अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, ये किसी की बपौती नहीं है या हमारे को कोई भीख में मिली हुई व्यवस्था नहीं है, ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। इसलिए बाबा साहब को याद करते हुए भी हम ये दिखा दें कि ये व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किया और ये हमारा अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे। महिलाओं के लिए तो बाबा साहब ने बहुत कुछ किया था, लेकिन आज महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं। हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से ही आज संविधान में हिंदू कोड बिल जो की व्यवस्था की गई, जिसकी वजह से ही महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार दिए गए। ऐसी बात नहीं है, महिलाएं हमारी बहुत से क्षेत्रों में आगे निकली हुई हैं और आज इस परिसंघ में मैं महिलाओं का नेतृत्व कर रही हूँ और महिला प्रकोष्ठ हमारा एक फ्रंट इसमें तैयार है। और आज की रैली में आप देखिएगा, पूरे भारत से असंख्य महिलाएँ, दिल्ली से हमारी इतनी महिलाएँ और हमारी सभी स्टेट से हमारी काफ़ी भारी मात्रा में महिलाएं आज उपस्थित होने वाली है। और ये जो बात कि महिलाएं आज सक्रिय नहीं है या महिलाएं जागरूक नहीं है, तो अगर वो कुछ जागरूक नहीं है तो उसको जागरूक करने का काम, उनको सचेत करने का काम आज हम इस फ्रंट के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं।